तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जो ब्लू कलर का जो हर्ट शेप है, बैच है, वो हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल के ऊपर कैसे शो करें, उसको कैसे अप्लाई करें। तो इस वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी मुझे मिल रहा है। तो 2-3 दिन से मैंने देखा कि ये जो बैच है वो भी हमारे प्रोफाइल के ऊपर शो नहीं कर रहा, अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उसका सलूशन आज मैं लेकर आ चुका हूँ। तो भाई ने मुझे एक कमेंट किया जिसका नाम था क्रिएटिव फ्यूचर। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई मुझे को इसका सलूशन दो, अभी ये शो नहीं हो रहा है हमारे अकाउंट के ऊपर। तो उनके कहने पर मैंने वीडियो बना लिया उन और जो भी आगे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैंने वीडियो बना दी है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं मेन टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं अपना प्रोफाइल खोलता हूँ। तो प्रोफाइल खोलने के बाद ऊपर मैं आपको 3 लाइन डॉट दिखा देता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना नीचे COVID-19 इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। तो आप देख सकते हो अभी गो टू वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है, अभी ट्राई स्टिकर की ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रही। तो इसको कैसे हमें वापस लेकर आना है, कैसे हमें को इसको अप्लाई करना है, कैसे हमें अपने इस प्रोफाइल के ऊपर शो करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने 3 डॉट जो लाइन है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है फिर से। और आपको जाना है COVID-19 इन्फॉर्मेशन सेंटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक की देखने को मिलेगी, चेंज कंट्री, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपके सामने कंट्री शो करेंगी, अफगानिस्तान, अल्बेनिया, अल्गेरिया, अमेरिका, समोआ एंड ग्रुआ। तो कंट्री आपको आगे ही बहुत सारी शो कर जाएंगी ऐसे ऐसे करके, बट आपसे कई बार पहली बार में नहीं होता। तो आपको अमेरिकन समोआ ही जो चूज़ करना है, मतलब आपको अमेरिका समोआ को चूज़ करना है। तो आपको इसको बार बार क्लिक करना है, तभी यही जाकर होता है। तो टैप हो गया, उसके बाद आपको डन कर देना है। जैसे आप अमेरिका समोआ कंट्री सेलेक्ट करते हो तो आपको डन कर देना है। डन करने के बाद तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपको डन बार बार करना है, तभी जाके ये डन होता है। पता नहीं क्या ये बग है इंस्टाग्राम का कि कई बार डन नहीं होता। तो ये डन हो चुका है, ठीक है। तो कंट्री आप देख सकते हो कि अमेरिकन समोआ चेंज हो चुकी है। उसके बाद आपको बैक जाना है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर देना है और आपको फिर से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद आपको अपना फिर से प्रोफाइल खोलना है। प्रोफाइल खोलने के बाद अब आपको दिखाता हूँ कि जो टेक कर है वो ऑप्शन आई है या नहीं। तो आपको 3 लाइन पर जाना है और कोविड इन्फॉर्मेशन सेंटर के ऊपर जाना है। तो आप देख सकते हो कि ट्राई स्टिकर की ऑप्शन अभी आ चुकी है। तो इस पर अभी दिखाता हूँ कि स्टिकर लगता है या नहीं। तो ट्राई स्टिकर पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई अपनी फ़ोटो ले लेनी है। तो जैसे मैंने फ़ोटो ली है, और जो ट्राई स्टिकर है इसको हमें हाइड कर देना है 2 फिंगर से पिंच करके, और जहाँ से हमको सेंड कर देनी है। और आपका जो हर्ट शेप वाला बैच है वो अप्लाई हो जाएगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो आपको एक बार मैं करके भी बता देता हूँ। तो सेंड किया मैंने ये फ़ोटो और स्टोरी में डाल दिया। तो देखते हैं कि क्या हर्ट शेप वाला बैच है वो अप्लाई होता है नहीं। तो फ़ोटो भी पोस्ट हो रही है मेरी। तो फ़ोटो पोस्ट करने के बाद अभी देखते हैं अपनी दूसरी आईडी से। तो ये मैंने अपना दूसरा अकाउंट खोला और अभी सर्च करता हूँ, बस सर्च करने की जरूरत तो नहीं है। तो देख लीजिए आपके सामने है गगन राजपूत का जो हर्ट शेप वाला बैच है वो भी प्लस शो हो रहा है। आपको अपनी दिखा भी देता हूँ, 34 सेकेंड पहले मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया था। तो वैसे आप अपने हर्ष वाला बैच अप्लाई कर सकते हो अपनी आईडी के ऊपर अब। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लिया होगा। अगर आप कुछ भी परेशानी आती है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए वीडियो यूजफुल, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।